राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास का 29वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में देव दूतों के ज्ञानो उपदेश से हृदय का हरि लोक गमन व दैनिक चर्चा का वर्णन आता है। महात्म्य सुनने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको महात्म्य अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जरूर लिखें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। धन्यवाद। 29वां अध्याय का महात्म्य इस प्रकार है। पुण्यशील और सुशील बोले, हे करदय, गोलोक को चलिए, देर क्यों कर रहे हो? तुमने विशेष रूप से भगवान पुरुषोत्तम का सामीप्य पाया है। करदय बोला, मुझे अभी बहुत से कर्मों के फल भोगने हैं, लेकिन किस प्राश्चित से गोलोक मिला यह नहीं समझ में आया। पृथ्वी पर जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृण और राजगण हैं, जितने आकाश में तारे हैं, उतने ही मेरे पाप हैं। मैंने ये सुंदर शरीर कैसे पाया? हरि के प्रिय पार्षदों, इसका कारण मुझे बताओ। श्री नारायण बोले, कर दे कि ऐसी वाणी सुनकर हरि के दूत बोले, आहा हे देव, क्या तुमने ये पद पाने का महान साधन नहीं जाना? हे प्रभु, पुरुषोत्तम भगवान का प्रभाव आपने नहीं समझा। यह पुरुषोत्तम मास विष्णु का प्रिय और महापवित्र मास है। इसमें तुमने देव दुर्लभ तप किया है। हे महाराज, वन में वानर शरीर से अनजाने और रोग दोष के कारण न खाने से तुम्हारा निराहार व्रत हो गया। तुमने वानरपन की चंचलता से वृक्ष से फल तोड़ तोड़ कर पृथ्वी पर फेंक दिए, जिससे अन्य लोगों की तृप्ति हुई, और दुख के कारण तुम पानी भी नहीं पी सके, जिससे तुम्हारा अज्ञानतावश पुरुषोत्तम मास में बड़ा भारी तप हो गया। हे अनद, तुम्हारे द्वारा फलों के गिराए जाने से परोपकार हो गया। वन में विचरते हुए महाभयंकर शीत, वायु, धूप आदि सहन की और इस रमणीक श्रेष्ठ तीर्थ में 5 दिन तक गोते लगाए, जिससे तुम्हें पुरुषोत्तम मास के स्नान का फल मिला है। इस प्रकार तुम्हारे रोगवश होने से अनजाने में ही उत्तम तप हो गया, सो सब सफल हो गया और अब तुमने अनुभव भी कर लिया। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास से श्रद्धापूर्वक अपने उत्तम महात्म्य को जानकर विधि सहित कर्म करते हैं, उनका तो कहना ही क्या। आपने जैसा साधन किया वैसा करने में अन्य कोई समर्थ नहीं है। इस मास में एक उपवास करने से मनुष्य पाप समूह से छूट जाता है। इस मास के समान पुरुषोत्तम मास की प्रीति देने वाला अन्य कोई मास नहीं। इस पुरुषोत्तम का जो व्रत करता है वह धन्य है। इस भरतखंड में मनुष्य जन्म पाकर जो पुरुषोत्तम का सेवन करते हैं वे सदा महाभाग्यशाली होते हैं और उन्हीं का जन्म सफल माना जाता है जिनका पुरुषोत्तम मास में स्नान दान जप में बीता हो। पुरुषोत्तम मास में दान पितृकार्य और अनेक प्रकार के तप करने से ये सब अन्य मासों की अपेक्षा करोड़ गुना फलदायक हो जाते हैं। जो पुरुष पुरुषोत्तम मास में स्नान दान नहीं करता, उस आस्तिक पापी मूर्ख पाखंडी दुष्ट अधर्मी तथा आलोचक को धिक्कार है। श्री नारायण बोले, पुण्यशील सुशील तथा करदय ब्राह्मण अपने पूर्व वृतांत को सुनकर पुलकित हो आश्चर्य में पड़ गया। प्रथम तीर्थ के देवताओं और कालिंजन पर्वत के, फिर वन के देवों को, छोटे छोटे पेड़ों तथा सब लताओं और वृक्षों को उसने नमस्कार किया। उसके बाद नम्रता पूरे विमान की प्रदक्षिणा कर मेघ के समान श्याम वर्ण का सुंदर पीताम्बरधारी वह विमान पर बैठ गया। तब सब देवता स्तुति करने लगे। गंधर्व एवं किन्नर बाजों के साथ गाने लगे। इंद्र आदि देवता बड़े हर्ष से पुष्प वर्षा कर सादर पूजा करने लगे। उसके बाद वह आनंद से योगियों को दुर्लभ गोप गोपी और गोओं से सेवित रास मंडल से सुशोभित गोलोक को गया। जिस लोक में न बुढ़ापा आता है, न मृत्यु होती है, न शोक होता है, ऐसे लोक को करदय ब्राह्मण पुरुषोत्तम मास के सेवन से वानर शरीर त्याग कर गया, जहाँ 2 भुजाधारी मुरलीधर पुरुषोत्तम के दर्शन करके आनंदित हो गया। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्यमय दृश्य को देखकर सब देवता चकित हो गए, पुरुषोत्तम की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। नारद जी बोले, हे तपोधन, आपने ये प्रातः काल के कर्म बताए, अब दिन के पिछले भाग के क्या कर्म करने चाहिए? हे नाथ, गृहस्थ के उपकार के लिए मुझे बताइए, क्योंकि आप जैसे महात्मा सबके उपकार के लिए सदा विचरण करते हैं। श्री नारायण बोले, प्रातःकाल का कर्म विधि पूर्वक समाप्त करके फिर मध्याकाल की संध्या करके तिल से तर्पण करें। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच, नाग, ये सब जो अन्न की इच्छा करते हैं वे सब मेरे द्वारा दिए गए अन्न को ग्रहण करें। फिर पंच महायज्ञ करें, अनंत भूत बलि करें, उसके पश्चात कोए और कुत्ते को बलि दें। इस प्रकार
कहकर सब भूतों को अलग अलग फिर बलि दें। फिर विधि पूर्वक आचमन करके प्रसन्न मन हो श्रद्धा से अतिथि सेवा के लिए उनके आगमन की प्रतीक्षा में द्वार की ओर देखता रहे। जो अतिथि भाग्य से गोधूने के समय आ जाए तो उसका पहले वाणी से सत्कार करें, फिर बुद्धिमान पुरुष उसकी देव समान पूजा करके भक्ति पूर्वक यथाशक्ति अन्न और जल से संतुष्ट करें। फिर विधि पूर्वक भिक्षुक और ब्रह्मचारी के लिए बनाए हुए सब व्यंजनों में से निकाल कर अन्न भिक्षा दे। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों सिद्धांत के मालिक हैं। इनको अन्न न देकर भोजन कराने वाले मनुष्य को चांद्रायन व्रत करना चाहिए। पहले यति के हाथों को धुलाकर फिर भिक्षा दे, साथ में जल दें। ऐसा करने से भिक्षा सुमेरु पर्वत के समान और जल समुद्र के समान हो जाता है। जो मनुष्य सत्कार से भिक्षु को भिक्षा देता है उसका फल गोदान के समान होता है, ऐसा भगवान यम कहते हैं। फिर पूरब की ओर मुकर के बैठकर मौन हो शुद्ध सुंदर थाली में अन्न की प्रशंसा करते हुए भोजन करें। अपने आसन पर अपनी थाली में से एक वस्त्र पहनकर भोजन न करें। अपने आसन पर बैठकर शांत चित्त से प्रसन्न हो। मनुष्य अकेला काशी की थाली में भोजन करता है तो आयु बुद्धि यश बल चारों बढ़ते हैं। दिन में सत्यम त्वतेर्ण परिपिश्चामी और रात्रि में ऋत या सत्येन परिपिश्चामी जल से हाथ धोकर घृत सहित सब व्यंजनादि का भोजन करें। भोजन में से पहले थोड़ा सा भोजन अन्न लेकर भूपते नमः कहकर फिर भुवन पते नमः कहकर धर्म राज को बलि देवे। फिर भूतानाम पतिये नमः कहकर चित्रगुप्त को बलि देने के बाद भूतों के प्रति ऐसा कहे कि जहाँ कहीं भी भूख प्यास से व्याकुल भूत स्थित है उनकी तृप्ति के लिए यह अन्न सुखपूर्वक अक्षय हो। फिर ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा का उच्चारण करके घृत के साथ पांच घास बिना दांत लगाए निगल जावें। फिर प्रेम से अब पहले मीठे पदार्थ खावें, नमकीन व खट्टा पदार्थ भोजन के मध्य में, फिर कड़वे और तक्र पदार्थ खावें। मनुष्य को चाहिए कि पहले तरल पदार्थ का भोजन करें, बीच में कड़े पदार्थ खावें, अंत में फिर तरल पदार्थ खावें। ऐसा करने से बल और आरोग्यता प्राप्त होती है। मुनि को 8 घास, वानप्रस्थ को 16 घास, गृहस्थी को 32 घास, ब्रह्मचारी को इच्छा अनुसार भोजन करना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को शास्त्र के विरुद्ध भोजन पदार्थ नहीं खाने चाहिए। सूखा और बासी आहार अभोज्य कहा गया है। घी और दूध के शेष भाग को छोड़कर सब पदार्थ का भोजन करके बचे हुए घी दूध को अंगुलियों के अग्रभाग से रखकर अंजलि में जल भर लें, उसमें से आधा जल पी लें। अंगुलियों के अग्रभाग से स्थित शेष को पृथ्वी पर गिराकर ऊपर से अंजलि का शेष आधा जल पंडित जन उसी जगह निम्न मंत्र को पढ़कर सिंचित करें। ऐसा न करने से ब्राह्मण पाप का भागी होता है। रोरवे पुण्य निलिए पद मावुर्द निवासी नाम आर्थिना मुदकम दत्त मक्षयम मु प्रतिष्ठितु। रोरव नरक में पीव के गड्ढे में पद्मावुर्द तक रहने वाले प्राणियों को जिन्हें इनकी आशंका हो उनके लिए यह मेरा दिया हुआ जल ऐसे होकर मिलता रहे। यह कहकर जल से सिंचा करके दांतों को शुद्ध करें, फिर आचमन करके गीले हाथ से पात्र को सरका दें। फिर वहां से उठकर बाहर जाकर मिट्टी और शुद्ध जल से अच्छी तरह मुख व हाथ धोएं, 16 कुल्ला करें, शुद्ध हो सुख से आसन पर बैठकर यह मंत्र बोलें और पेट पर हाथ फेरें। अगस्त्यम कुंभकर्ण च शनिचम च वड़वानलम आहार परिपाकार्थ स्मरेद भीमम च पंचमम आतापी मारितो येन वातापी च निपातित है समुद्र शोषित येन च मे गस्त प्रसिद्धतु। अगस्त्य कुंभकर्ण शनि वड़वानल और पांचवें भीम का आहार के पचने के लिए स्मरण करें। जिसने आतापी वातापी को मारा समुद्र को सोख लिया ऐसे अगस्त्य मुनि मेरे ऊपर प्रसन्न होवें। फिर हर्ष से श्री कृष्ण का स्मरण करके आचमन करके पान खावें। फिर श्रेष्ठ मार्ग का अनुकरण करके उत्तम शास्त्र की चर्चा का आनंद लेते हुए परम ब्रह्म श्री कृष्ण का चिंतन करें। सर्वदा आजीविका रहित व्यक्ति भी एकाग्र मन होकर दो घड़ी आध्यात्म विद्या का स्मरण करें। सुनने मात्र से धर्म का ज्ञान पापों का नाश होता है, मोह दूर होता है, ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त होता है, नीच भी श्रेष्ठता को प्राप्त करता है और न सुनने से श्रेष्ठ जन भी नीच हो जाता है। फिर बाहर जाकर व्यवहार करें और संपूर्ण अर्थों को सिद्धि देने वाले श्री कृष्ण का मन में ध्यान करें। सूर्य अस्ताचल के समय पर तीर्थ तथा घर पर ही जाकर पांव धोकर पवित्री धारण कर सायंकालीन की संध्या वंदन करें। जो अधम ब्राह्मण सायकालन की संध्या न करे वह गोवध के पाप का भागी होता है और मरने पर रोरव नरक में जाता है। कभी समय न रहने पर संकट में पड़ जाने से या यात्रा में होने से ब्राह्मण को चाहिए वह आधी रात्रि के पहले तक संध्या की संध्या कर ले। जो ब्राह्मण संध्या से तीनों काल
की संध्या करता है तो उसका तेज घृत पाकर अग्नि की लो की भांति बढ़ता है। साय सूर्य के आधा अस्त होने पर प्राणायाम करें, आपोहिष्टा मंत्र से मार्जन करें, सायंकाल अग्निश्चमा मंत्र से प्रातःकाल सूर्यश्चमा इस मंत्र से आचमन करें, पश्चिम की ओर मुख करके मौन धारण कर सावधानी से बैठकर ओंकार और व्याहति सहित गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष माला लेकर तारे उगने तक अच्छी तरह जप करें। फिर वारुणी ऋचाओं से सूर्य नारायण का उपस्थान प्रदक्षिणा करते हुए दिशाओं को तथा दिशाओं के अधिपतियों को पृथक पृथक नमस्कार करें। सायकालीन संध्या की उपासना करके अग्नि में आहुति देकर सेवकों सहित अल्प भोजन करके बैठ जाएं। सायकाल और प्रातःकाल भोजन की इच्छा न होने पर भी वेश देव और बलि कर्म सदा करता रहे, नहीं तो पाप का भागी होता है। फिर भोजन करने के बाद गृहस्थी पुरुष सायंकाल हाथ पैर धोकर तकिया आदि सहित कोमल शैया पर जाकर अपने घर में पूर्व की ओर सिर करके सोवें, ससुराल में दक्षिण की ओर सिर करके सोवें, परदेश में पश्चिम की ओर सिर करके सोवें, किंतु उत्तर की ओर सिर करके कभी न सोवें। सोने वाला पुरुष रात्रि सुक्त का जप करके सुखदायी देवताओं का स्मरण कर अविनाशी विष्णु को नमस्कार करके प्रसन्न चित्त हो रात्रि में अगस्त्य माधव महाबली मुचुकुंद कपिल और आस्तिक मुनि ये पांचों सुख से सोने वाले हैं, अतः इनका स्मरण करके सोवें। मांगलिक जल से भरा कलश सिराने रखकर वेद मंत्र गारुड़ मंत्रों से रक्षा करके सोएं। ऋतुकाल में स्त्री संगम करें, सदा अपनी ही स्त्री से प्रेम करें। व्रती पुरुष रति की कामना से पर्व की तिथियों को छोड़कर ऋतुकाल में अपनी स्त्री से भोग करें। प्रदोष और प्रदोष काल में पिछले प्रहर के वेद के अभ्यास में समय व्यतीत करें। दोपहर सोने वाला मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होने योग्य होता है। यह सब प्रतिदिन का कर्म वर्णन है। गृहस्थी पुरुष भली प्रकार करे क्योंकि गृहस्थाश्रम के लक्षण है। हिंसा छोड़कर सत्य बोलना, सब प्राणियों पर दया रखना, शांति रखना, शक्ति अनुसार दान करना, यह सब गृहस्थी के धर्म बताए गए हैं। पराई स्त्रियों से भोग विलास न करना, अपनी पत्नी की रक्षा करना, बिना दिए कोई वस्तु बलात् न लेना, मद मांस न खाना, यह पांच प्रकार का धर्म बहुत ही शाखा वाला और सुख देने वाला है। अतः शारीरिक धर्म उत्तम प्रेणियों को अवश्य करना चाहिए। श्री नारायण बोले, हे मुनि, संपूर्ण वैदिक कर्म गृहस्थाश्रम के लक्षण है, जो लोक हित के लिए लक्षण सहित मैंने तुमको संक्षेप में बताए हैं। इन धर्मों का जो स्त्री पुरुष नियम से पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज मैंने आपको 29वें अध्याय का महात्म्य सुनाया। अगर आपको यह पसंद आता है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।